अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कई बार ऐसे होता होगा कि आप किसी शादी हॉल में गए हैं, आपने वहाँ पर बिरयानी खाई है, तो बिरयानी में आपको बड़ा ही उसने बहुत जलसा कर दिया है। थोड़ी सी बिरयानी खा के आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता होगा। कई बार आप ऐसे निमको खाते होंगे जो बज़ाहिर तो बड़ी मज़ेदार होती है लेकिन बड़ी हैवीनेस सी आपको फील होती है। तो ये निमको, इस तरह की बिरयानियाँ, और कई दफ़ा मुर्ग दाल खाते हैं आप, ये जो चीज़ें हैं इनका ज़ायका बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये जो आपको हैवीनेस फील होती है, आपसे ज़्यादा खाई नहीं जाती है, आप वो जो बिरयानी खाएंगे उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है और वो आप चिपचिपाहट होती है, जुड़ रही होती है आपस में, तो उसकी वजह भला क्या होती है? उसकी वजह जानने के लिए आप मेरे साथ ज़रा इस फैक्ट्री के अंदरूनी मनाजर मुलाहिजा करें कि हम इस फैक्ट्री में एंटर होते हैं। इस समय हमें ये देखें कि एक तरफ ये ढेर नज़र आ रहे हैं जो डार्क ब्राउन कलर के हैं, गंदगी गलाजत सारी ज़मीन पर है, और यहाँ पर ये जो ढेर सा नज़र आ रहा है जो देखने में शायद कोई ऐसे है कि ये कोई कचरा है, कोई गंदगी है, कोई वेस्ट है, ये बेसिकली वो फैट्स हैं, वो चर्बी है, वो मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं इसमें, और ये सारी ला के इनको ये बाहर आप देखें कि बड़े बड़े कढ़ाई हैं उसमें इसको पकाया जाता है, इसमें से तेल कशीद किया जाता है, और ये जो तेल कशीद किया जाता है यहाँ पे आप देखें कि इस हद तक स्मेल है कि इस पूरी प्रेमिसेस क्या इसके इर्द गिर्द के घरों में भी लोगों के लिए सांस लेना दूभर है, इस हद तक गंदगी और गलाजत है। आपको यहाँ पे बड़े बड़े ड्रम नज़र आएंगे, बड़े बड़े आपको कढ़ाई नज़र आएंगे, गंदगी गलाजत कालक स्याही जैसे इनके दिलों पर है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और इनसे जब हम इंटरव्यू करते हैं, जब इनसे पूछते हैं, तो ये कहते हैं कि हम इसमें से चिकनाहट निकालते हैं, ऑयल इसमें से जो निकलेगा ये हम साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, सारे लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसी फैक्ट्री में यहाँ थोड़ा सा ही आगे हमें पाम ऑयल भी मिलेगा, और ये पाम ऑयल आम वाला पाम ऑयल नहीं है, ये पाम कर्नल ऑयल है जो कि पाम ऑयल की घटिया तरीन किस्म है, वो भी हमें यहाँ पर नज़र आएगा। और इस पाम कर्नल ऑयल को इस फैट्स के साथ मिक्स करते हैं, ये जो पाम कर्नल ऑयल है ये बहुत जल्दी जम जाता है, इसके लिए ज़्यादा लो टेम्परेचर दरकार नहीं होता, ये उससे कहीं ऊपर ही जम जाएगा। ये पाम कर्नल ऑयल और ये चर्बी, इसको मिक्स करेंगे और ये देखें कि आपको टिन नज़र आ रहे हैं जो किसी मशहूर ब्रांड के हैं, लेकिन ये जो टिन हैं ये उनके इस्तेमाल शुदा टिन हैं। इनमें ये लोग, ये आप देख रहे हैं कि ये जो घी सा अंदर पड़ा हुआ है, इसकी अगर आप रंगत को गौर से देखें तो इसकी रंगत आम घी से थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी आम घी अगर बिल्कुल स्मूथ येलोइश कलर का होता है तो ये इसमें थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी सी भी है। इसके अंदर जो आपको मक्खियाँ मरी हुई नज़र आ रही हैं वो गलाजतें वो तो अपनी जगह पर हैं, इसकी एक मखसूस स्मेल है, आपने उधर बैक एंड पर देख लिया कि वो कितना काला था, इसको रंग काट डालेंगे, इसको ब्लीच करेंगे और इसको मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजारेंगे और इसके साथ मिक्स करेंगे और इनसे लेकर जाएंगे निमको वाले, इसको लेकर जाएंगे मुख्तलिफ केटरिंग कंपनियों वाले, और वो जिन्होंने पर हेड पर खाना देना है आपको और वो कहेंगे कि हमारा तो थोड़ा खाना खाया जाएगा, निमको लेके जाएंगे क्योंकि, और निमको वाले इसलिए इसमें निमको फ्राई करेंगे क्योंकि बदकिस्मती से हम एक गोश्तखोर कौम है और हमें हर शय में गोश्त का टेस्ट चाहिए, और यही वजह है
कि यहाँ पर इन्हीं हमारी आदतों की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल मंगवाया जाता रहा, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब में अब सख्ती किया, खुले कुकिंग ऑयल पे पाबंदी लगा दी है, तो वो आम दुकानों पे बिकना बंद हो गया, लोग चोरी छुपे कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल लाते थे, बाहर तो चूँकि हराम अशिया फ्राई की जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से उस गोश्त में फ्लेवर तो आ जाता था। और फिर अगर वो दूसरे ऐसे जानवर जो देखने में हराम नहीं है लेकिन उनको ज़बा नहीं किया जाता इस्लामी तरीके से, तो वो भी हराम हो जाते हैं। तो उन जानवरों को जब उस तरीके से वहाँ पे इसमें फ्राई किया जाएगा ऑयल में, और वो ऑयल इस्तेमाल शुदा पाकिस्तान में साबन के नाम पे इंपोर्ट किया जाएगा, और वो इसी तरह ड्रमों में कैंस में रख के बेच देंगे, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि वो एक मेयोनीज वाली वीडियो में कि वहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल था, तो इसी तरह खुले कुकिंग ऑयल की सूरत में ये वाला इस्तेमाल शुदा तेल भी जाता है। इसी तरह ही ये जो यहाँ पे दो नंबरी हो रही है, जो यहाँ पे ये एक घी बना रहे हैं, तो ये घी इसी तरह ही जब आगे बिकेगा तो उसमें वो टेस्ट आएगा, और उस टेस्ट की खातर हम इतनी सारी बीमारियां घर में ले आते हैं। अब ये वाला जो घी है जो बहुत जल्दी जम जाता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे तो वो मेल्ट ही नहीं होएगा, ये जाके बड़े हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि सबसे पहले तो हमें ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि हमारे दिल की शरियाने जो हैं उसमें ये चिकनाहट जब जमना शुरू होगी तो उसमें खून की रवानी मुतासर होगी, जब खून की रवानी मुतासर होगी तो दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने एक छोटा पंप लगाया है, पानी को हाइट ज़्यादा पे फेंकना पड़ रहा है उस पंप को टैंकी पे चढ़ाने के लिए, वो जो मोटर है वो पंप जो है वो तो बड़ा जल्दी हिम्मत हार जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसानी दिल की जो लाइफ है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो 120 साल रखी हुई है, लेकिन जब उसको मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी तो वो तो 120 साल की बजाय 30 साल की उम्र में ही जवाब दे जाएगा, 40 साल की उम्र में जवाब दे जाएगा। पता चलेगा 40 से 50 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि दिल के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, दिल कमज़ोर हो गया है, दिल उसको इतना ज़्यादा प्रेशर से खून को धकेल धकेल के दिल थक गया है, तो दिल का भी बुरा हाल हो जाएगा। तो वो उसके पीछे इसी तरह का गैर मियारी घी होता है, और फिर इसी की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा जब तंग हो जाएंगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उसके क्लॉट आएंगे, फालिज हो जाएगा, अगर कोई नस फट जाती है प्रेशर की वजह से क्योंकि आगे जा नहीं रहा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो हम सिर्फ ज़बान के चस्के की खातर, जायके की खातर गैर मियारी जगहों से गैर मियारी अशिया जब हम ले लेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम दिल हार नहीं बैठेंगे, दिल तबाह कर बैठेंगे, और नतीजा मौत। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।